नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अपोलो हॉस्पिटल में और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है, जो कि आज सुरक्षित है राहुल साहू, जो कि 105 घंटे में 5 दिनों तक जो कि वो पानी में था। पानी में रहने के कारण कुछ इन्फेक्शन हो गए थे, विशेषज्ञों के द्वारा इलाज किया जा रहा है, काफ़ी जल्द जो कि राहुल स्वस्थ भी हो जाएगा। और यही कहना चाहूँगा कि आप सभी देशवासियों की दुआ से आज राहुल जो कि सुरक्षित है। कहा जाए तो जो कि कुदरत का करिश्मा है, अजूबा है ये कि 105 घंटे में राहुल जो कि सुरक्षित है और आज हम सब के बीच है और अपोलो हॉस्पिटल ने जो कि उसकी उचित इलाज की जानी है, जो कि और आप सभी को मैं बताना, राहुल से खास मुलाकात के लिए माननीय श्री भूपेश बघेल जी भी आए थे और उनकी खास मुलाकात भी हुई है परिवार वालों से, राहुल की स्वस्थता को लेकर के कि राहुल कैसा है, उसकी तबीयत को लेकर के जो कि खास मुलाकात हुई है। और राहुल की आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की जरूरत अगर पड़ती है तो उसका खर्चा जो कि पूरी सरकार उठाएगी। आज भी राहुल स्वस्थ है और राहुल से मिलने के लिए तमाम नेता, तमाम प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल मिलने के लिए, जिनसे जो भी सहायता हो रही है वो जो कि राहुल के लिए सहायता कर रहे हैं। आप सभी की दुआ जो कि राहुल के लिए कारगर रही। राहुल 105 घंटे बोरवेल में फंसा रहा और 105 घंटे के बाद में जो कि जिंदगी की जंग, कहीं ना कहीं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान और राहुल ने जो कि इस जिंदगी की जंग को जीत ली। तमाम जवान जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात थे, उन सभी जवानों को मैं देशवासियों की ओर से ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन को सुरक्षित सफल, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके दिन रात एक करके इस नेशनल ऑपरेशन को सफल बनाया। पूरी देशवासियों की ओर से ऐसी ही कामना करूंगा कि किसी प्रकार के अगर देश में संकट आता है या किसी की में संकट आता है या जवानों में संकट आता है या लोगों में संकट आता है तो ऐसी देश के साथ रहे, तमाम दुआएं साथ रहे। जहां दवा काम नहीं आती है वहां दुआएं काम आती है, जो आज देखने को मिल गया। धन्यवाद।